opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. वीरू, पहले हम मुबारकबाद देना चाहेंगे पार्थिव पटेल को कि गुजरात चैंपियन बन गई है। पार्थिव, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। पर कल गुजरात चैंपियन हुए, इसलिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि बिंग गुजराती हम चाहते थे बहुत टाइम से कि गुजरात की कोई टीम आए जो वहाँ पे, और आके पहले साल भी जैसे टीम बनी थी किसी को लगा नहीं था कि जो ये टीम जीतेगी, लेकिन प्रदर्शन बहुत बढ़िया किया और वेल डिजर्व्ड विनर इस टूर्नामेंट के। इनको तो स्पोक्सपर्सन बन जाना चाहिए गुजरात, ये है ही बनना, क्या ये है ही स्पोक्सपर्सन। स्पोक्सपर्सन वही होता है जो सब कुछ अरेंज करता है, ये गुजरात की टीम के लिए अहमदाबाद में सब कुछ अरेंज कर रहे हैं। ये सही बात, गाड़ियां चाहिए तो पार्थिव पटेल, कहीं आना जाना है तो पार्थिव पटेल, रेस्टोरेंट में इधर उधर जाना है तो पार्थिव पटेल। बबल था? नहीं नहीं, बबल तो फाइनल वाले दिन आपने क्या कहा, टूट जाएगा, जैसे बस में चढ़ेंगे तो टूट तो किसी रेस्टोरेंट से होते हुए आए। हम लोग ऐसी थोड़ी सी रैगिंग करते रहते हैं पार्थिव की, मजा आता है हमें। पर देखिए, दिन के टाइम में सपोर्टर है मुंबई इंडियंस के, पर आफ्टर ऑल जन्मभूमि कर्म भूमि, 5 बजे के बाद तो गुजरात के ही है, 5 बजे के बाद ऑफिस आवर्स के बाद। पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि क्रिकबस में हम लोग वैसे हैं न्यूट्रल ना, सारे न्यूट्रल है, हमारा काम है न्यूट्रल होना। पर देखिए, हमारा भाई चला रहा है वहाँ पे टीम, हमारे साथ ही, हमारे क्रिकबस परिवार का इंटेग्रल पार्ट, धड़कता दिल आशीष नेहरा, और आज सब गुजरात के स्टेक होल्डर्स के, फैंस के, सबके दिलों की धड़कन जो है वो ड्रम की तरह होगी, जोर जोर से बज के सुनाई दे रही होगी बाहर, क्योंकि वो बन गए हैं चैंपियंस 2022 के इस सीजन के। अच्छी बात तो ये है कि एक ही किश्त में पूरा सीजन हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, और स्मूथली हो गया, प्यार से हो गया, मोहब्बत से, सद्भावना से हो गया, और ये टीम अपना पहला टूर्नामेंट ही खेलते जीत गई। क्या हुआ आज फाइनल में भाई, राजस्थान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करी, करना चाह रहे थे वो, पर अफसोस कर ना पाए, 130 पर 9 विकेटें गिर गई उनकी, बहुत ही आसान लक्ष्य गुजरात के लिए। थोड़ा सा कभी लगा बीच में शायद थोड़ी सी हिचकिचाहट में भी, जब दो विकेटें गिरी तो उस वक्त संभाल रहे थे पारी को शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या, लगा कि अरे कहीं स्लो ना हो गए, कहीं रायता ना फैल जाए, कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए, आप हम सब ये बात कर रहे थे, पर आई थिंक उस हिचकिचाहट के बाद बहुत ही आराम से निकल गई गुजरात। बिल्कुल, मतलब पहले 8-9 ओवरों की बात करें तो केवल 48 रन ही बने थे, 9 ओवरों में शायद 40 या 48 रन थे, और उस समय 2 आउट थे। उस समय अगर कोई आउट होता, गिल या हार्दिक पांड्या आउट होते और मिलर आते ना, तो शायद मैच फंसने के चांसेस बनते, बट वहाँ पर हार्दिक पांड्या ने जो 34 रन बनाए वो थे इंपॉर्टेंट, लगे छोटे हैं आउट होकर चले गए, लेकिन वो आउट भी जिस गेंद पर, कमाल की गेंद थी चहल की, लेकिन शायद वो इंपॉर्टेंट थे वो 34 रन, क्योंकि जब तक वो रहे तो उन्होंने अश्विन को गेंदबाजी नहीं करनी थी, तो एक गेंदबाज शॉर्ट हो गए ना बीच में। अभी शायद प्रसिद्ध कृष्णा को लाए उन्होंने, उनके भी ओवर में 2 चौके लग गए, वहाँ से मैच खुल सा गया अश्विन के ओवर के बाद से, बट नो डाउट आज दिन सिर्फ और सिर्फ गुजरात का था, चाहे गेंदबाजी कहें, चाहे फील्डिंग कहें, चाहे बल्लेबाजी कहें, सब में पीछे छोड़ा है। और जो हम लोग बात कर रहे थे कि मैच 17वें 18वें 19वें होगा, तो 18वें ओवर में मैच खत्म हुआ है, तो